नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ अच्छी खबर शेयर करनी है। यहाँ पर मेरे पास एक आर्टिकल है मेडिकल सीट इंक्रीज होने के बारे में, कुछ फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आर्टिकल जो है उसमें ऐसा लिखा है कि मेडिकल सीट्स अप बाय 30% इन लास्ट 4 ईयर्स, सेज प्राइम मिनिस्टर वाइल लाइंग फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स मदुरई। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली एम्स मदुरई तमिलनाडु में इनॉग्रेशन किया था, उनका फाउंडेशन इन्होंने रखा था। तो वहाँ पर उन्होंने जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने यह बताया है कि पिछले 4 सालों में MBBS की जो सीट है, मेडिकल की जो सीट है, 30% इंक्रीज हो रही है। अभी आपको पता होगा कि सीट अराउंड 60% से थोड़ा ज़्यादा है और पिछले 4 सालों में यह सीट जो है लगभग 18,000 से 20,000 के बीच इंक्रीज़ हुई है। तो यह अच्छी खबर जो है मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इसका यह भी मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फोकस कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है इन मेडिकल सेक्टर पर सीट इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि सभी को यह पता ही होगा कि इंडिया कंट्री में डॉक्टर्स की कमी है और यहाँ पर 30% इंक्रीज़ इन लास्ट 4 ईयर काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 4 सालों में 18,000 सीट्स इंक्रीज़ हुई है। इसका यह भी मतलब होगा, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि इस साल काफ़ी सारे सीट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं, कुछ चेंजेस होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन में, उसके बारे में मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगा। तो वह चेंज रूल्स एंड रेगुलेशन में जो होगा उसके वजह से इस साल ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 MBBS सीट्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यह आप सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट 2019 UG एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हों उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और ऐसा न्यूज़ मुझे और मिलेगा नए मेडिकल कॉलेज के बारे में, MBBS सीट्स इंक्रीज़ होने के बारे में, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।